हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं आपको लेकर के सुखीजा विहार में। इसी प्रोजेक्ट के हमने और भी विलास के वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमने हर साइज़ के विलास को कवर किया है। यहाँ पे 100 गज से लेकर 300 गज तक के विलास अवेलेबल हैं। अभी हम देखने वाले हैं 111 गज का विला, जिसका फ्रंट रहने वाला है 20 का और जिसकी डेप्थ रहेगी 50 की। जस्ट बिल्कुल इसी के सामने हमने प्रीवियस वीडियो में 140 स्क्वायर यार्ड का विला भी दिखाया है, जिसके वीडियो की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में इस विला का एलिवेशन आप एक बार देख सकते हैं, बाहर से 111 गज में बना हुआ है। इसके बाहर आपको मिल जाती है 40 फीट वाइड रोड। साथ ही में आपको यहाँ पर विला के बिल्कुल ठीक पास में ही आपको मिल जाता है 5000 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ पार्क। और साथ ही में वाटर फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 3 लाख लीटर का आपको वाटर टैंक की यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती है, यानी कि आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही में सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपको यहाँ पर चैनल गेट भी मिल जाता है। और इस विला की खास बात है कि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 2 एंट्री गेट, यानी कि एक आपका पार्किंग गेट हो जाता है। अगर आपकी कार यहाँ पार्क हो जाती है तब भी आपकी एंट्री ब्लॉक नहीं होने वाली है, ये आपकी सेकेंड एंट्री हो जाती है। तो अभी हम हमारे विला का टूर करने जा रहे हैं। इसका जो लोकेशन रहने वाली है, इसकी लोकेशन रहेगी गांधी पथ वेस्ट, वैशाली एक्सटेंशन में, सुखीजा विहार, मंगलम आधार के बिल्कुल नियर बाय ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। आसपास की अगर कनेक्टिविटी की हम बात करेंगे तो जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड यहाँ से 11 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। साथ ही में अजमेर रोड यहाँ से 2.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने वाला है। 500 से 700 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपको सिरसी भाकरोटा लिंक रोड यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे विला की एंट्रेंस हो जाती है। यहाँ पे आपका बम एरिया आ जाता है। विला के बाहर आपको मिल जाता है छोटा सा गार्डनिंग एरिया, यहाँ पे आप आराम से प्लांटिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्पेशियस पोर्च एरिया। पोर्च एरिया में आप एक बार फॉल सीलिंग की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको UPVC प्रोफाइल लाइट्स देखने को मिलेंगी। साथ ही में वुडन टेक्सचर का वर्क आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिलेंडर के लिए भी प्रोविजन दिया हुआ है। पोर्च एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 10x14 के डायमेंशन में आपको आपका पोर्च एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको गार्डनिंग एरिया भी मिल जाता है, जहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्लांटिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। और ये आ जाती है हमारे विला की एंट्रेंस। एंट्रेंस पे आपको काफ़ी हैवी डोर मिल जाएगा वुडन का, आप देख ही रहे हैं। इसकी हाइट भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। साथ ही में सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखा जाए तो यहाँ पे आपको स्मार्ट डोर लॉक मिल जाएगा, इसमें आपको फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा, पिन कोड की फैसिलिटी और RFID की फैसिलिटी मिल जाएगी। एंटर करते ही आ जाता है हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम। इसके अगर डायमेंशन की हम बात करेंगे तो 10x13 के डायमेंशन में आपको आपका स्पेशियस ड्राइंग रूम मिल जाएगा। 5 to 7 seater सोफ़ा यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है। बीच में आ जाती है आपका सेंटर टेबल। इसी के बिल्कुल सामने आ जाता है आपका LED पैनल। काफ़ी वाइड आपका LED पैनल हो जाता है, वुडन का है, साथ ही में लेमिनेटेड है। और बिल्कुल पास में इसके आपको वेलवेट का वर्क भी देखने को मिल जाएगा। ये वॉल माउंटेड है तो नीचे आपको सफाई करने में कोई इशू नहीं आएगा। फॉल सीलिंग की अगर हम बात करेंगे तो फैंसी लाइट्स यहाँ पर लगाई हुई हैं और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ही शानदार रहने वाला है। AC की फिटिंग आपको यहाँ पर दी हुई है। साथ ही में यहाँ आ जाती है हमारी वाइड विंडो प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया की तरफ। दोस्तों, इस विला का जो प्राइस रहने वाला है, अगर आप सेमी फर्निश्ड विला लेना चाहते हैं तो 75.5 लाख इसकी प्राइस रहने वाली है। साथ ही में अगर आप एज इट इज़ जैसा हम वीडियो में दिखा रहे हैं फुल फर्निश अगर आप ये विला लेना चाहते हैं तो 95.5 लाख इसकी प्राइस रहने वाली है। तो ये आ जाता है दोस्तों हमारा स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। 20x13 के डायमेंशन में आपको आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम के बीच में एक पार्टीशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है वुडन का, जो कि लेमिनेटेड है। बहुत ही बढ़िया वर्क आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपका 6 seater डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्टेयर्स के नीचे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए कुछ वार्डरोब्स दिए हुए हैं। इधर आ जाता है आपका सिंक, यहाँ पे आपको सिंक का प्रोविजन मिल जाता है, साथ में ही नीचे आपको स्टोरेज भी मिल जाता है। यहाँ से राइट साइड पे आ जाएगा हमारा मॉड्यूलर किचन और लिविंग एरिया में आपको मिल जाता है एक कॉमन वॉशरूम और उसके बिल्कुल पास में मिल जाएगा हमारा बेडरूम। तो चलिए हम हमारा कॉमन वॉशरूम देख लेते हैं।
तो दोस्तों 8x10 के डायमेंशन में आपको ये वॉशरूम मिल रहा है, कॉमन वॉशरूम, जिसमें आपको ग्लास का पार्टीशन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपका वेट एरिया हो जाता है, टफन ग्लास का यहाँ पे यूज किया हुआ है। और यहाँ आ जाती है आपकी वॉल माउंटेड सीट, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। और यहाँ आपको आपका सिंक का प्रोविजन मिल जाता है जो कि वॉल माउंटेड है। इसके बिल्कुल पास में आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो अभी हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। दोस्तों 9x8 के डायमेंशन में मिलेगा आपको आपका मॉड्यूलर किचन। यहाँ पे आपको एक पार्टीशन भी करके दिया हुआ है, साथ ही में ऊपर फैंसी लाइट लगाई गई हैं। एंटर करते ही एल शेप में आ जाता है आपका काउंटर टॉप, ग्रेनाइट का आपका काउंटर टॉप हो जाएगा। और पीछे बैक वॉल पे आपको टाइल्स का वर्क यहाँ पे मिल जाएगा। चिमनी की फैसिलिटी आपको दी हुई है वर्लपूल की। पास ही में आ जाती है UPVC स्लाइड विंडोज, जहाँ से आप बिल्कुल अपने फ्रंट डोर पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ आ जाता है हमारा वेट एरिया। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे नीचे भी आपको ड्रॉर्स दिए हुए हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ में। अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। दोस्तों 13x14 के डायमेंशन में आपको आपका स्पेशियस बेडरूम मिल जाता है। काफी अच्छा स्पेस आपको बेड के तीनों साइड मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं। बेड के दोनों साइड मिल जाती हैं आपको टेबल, आप इसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, लैंप आप लगा सकते हैं। और बेड के पीछे आपको कुशन वर्क यहाँ पे मिल जाएगा। एसी की फिटिंग आपको इस रूम में भी दी हुई है, यहाँ पे एसी लगाया गया है अगर आप फुल फर्निश लेते हैं तो। और यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी वार्डरोब, फुल साइज की आपकी वार्डरोब मिल रही है। और मॉडर्न लुक आप देखेंगे, जो हैंडल्स हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम यूज़ किए गए हैं। साथ ही में इसकी खास बात है कि इसमें है ऑटोमेटिक लाइट, तो आपको नाइट में भी सामान निकालने में कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा वॉशरूम। इसके बिल्कुल पास में यहाँ हमें मिल जाता है आपका LED स्पेस। आप आराम से यहाँ पे अपनी LED प्लेस कर सकते हैं जो कि वॉल माउंटेड है। साथ ही में यहाँ हमें मिल जाएगी एक गैलरी, ये हमारी गैलरी हो जाती है। ओपन स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप इसमें वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं और अपने क्लोथ्स भी आप यहाँ पर सुखा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको आपके कॉमन वॉशरूम में ही जाने के लिए इस रूम से भी एक प्रोविजन मिल जाता है, तो इजीली आप इस रूम से भी इस वॉशरूम को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ हम देखने वाले हैं दो बेडरूम्स और साथ ही में हम वहां पर देखेंगे एक पूजा स्पेस। स्टेयर्स पे आपको यहाँ पे वॉल पे कुछ लाइट्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों जैसे ही हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, काफी स्पेशियस आपको आपका लॉबी एरिया मिल जाता है। यहाँ आप इजीली 5-7 सीटर सोफा प्लेस कर सकते हैं। साथ ही में इसके बिल्कुल ठीक सामने हमें मिल जाता है हमारा पूजा स्पेस। काफी मॉडर्न लुक और काफी ट्रेडिशनल लुक में आपको आपका पूजा स्पेस मिल जाता है। नीचे आपको स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स दिए हुए हैं, ड्रॉर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ताकि आप जो भी छोटे मोटा सामान है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ हमें मिल जाएंगे दो बेडरूम। तो चलिए हम पहले हमारा सेकंड बेडरूम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा 13x14 के डायमेंशन में स्पेशियस बेडरूम। बेड के पीछे आपको कुशन वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोनों साइड यहाँ पर टेबल लगाई हुई है, वुडन की है, लैमिनेटेड है। इसके बिल्कुल सामने आ जाता है हमारा LED स्पेस और वॉल माउंटेड आपको यहाँ पर पैनल मिल जाता है वुडन का स्टोरेज के लिए। इधर आ जाते हैं हमारे वार्डरोब, फुल वार्डरोब आपको मिल रही हैं, लैमिनेटेड हैं। और फॉल सीलिंग की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत डिज़ाइन मिल जाता है। साथ ही में इस बेडरूम में भी आपको मिल जाती है एक वाइड गैलरी, ये आपकी ओपन गैलरी हो जाती है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम हमारे अटैच वॉशरूम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ हमें मिलता है हमारा अटैच वॉशरूम और ड्रेसिंग एरिया। ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया, इसके ठीक पास में आ जाएगा हमारा वॉशरूम। अटैच वॉशरूम सीट हमारी वॉल माउंटेड रहने वाली है दोस्तों। साथ ही में वॉल पे आपको यहाँ पर डार्क कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है, कैनमिक टाइल्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं। और ये आपका सिंक हो जाता है।
अभी हम चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। इसी के बिल्कुल सामने हमें मिल जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा थर्ड बेडरूम, स्पेशियस मास्टर रूम आप इसे कह सकते हैं, मास्टर बेडरूम। 13x14 के डायमेंशन में आपको ये मिल जाएगा और बेड लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, आप आसानी से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बेड के बैक साइड पे आपको कुशन वर्क मिल जाएगा डार्क ब्लू कलर में और यहाँ आपको मिल जाती है वाइड विंडो, आप देख सकते हैं प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। साथ ही में इस रूम में आपको मिल जाती है वाइड बालकनी। तो दोस्तों बेड के बिल्कुल पास में आ जाती है हमारी वार्डरोब, वुडन की हमारे को वार्डरोब मिल जाती हैं लाइट्स के साथ में, और यहाँ आ जाता है हमारा LED पैनल। इसी के बिल्कुल पास में आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम, 6x8 के डायमेंशन में आपका अटैच वॉशरूम हो जाता है। यहाँ पे आपको ग्लास का सेपरेशन करके दिया हुआ है, वो आपका वेट एरिया हो जाएगा और ये आपकी सीट हो जाती है। अभी हम चलते हैं हमारे बालकनी की तरफ, यहाँ पे आपको काफ़ी वाइड बालकनी मिल जाती है। तो यहाँ से हमें हमारी बालकनी में जाने के लिए प्रोविजन मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। साथ ही में इधर से आ जाएगी हमारी बालकनी, यहाँ पे आपको जो वर्क दिया हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, इसमें सीलन विलन कभी भी नहीं आएगी। स्टेनलेस स्टील के यहाँ पर यूज़ किया गया है रेलिंग के लिए और ग्लास वर्क भी आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ में दोस्तों आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और भी नए नए और अच्छे प्रोजेक्ट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, हर बजट के प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।